वेलकम बैक जी। मुख्तार अब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मुख्तार ये देखिए कि कितना अच्छा जो है वो इन्होंने बनाया है, और ये मैं देख रहा आपने तो मिस कर दिया। नहीं नहीं, नहीं बहुत नफासत के साथ, और प्रेजेंटेशन है बड़ी काउंट हो रही होती है, तो मैं यही देख रहा हूँ कि खास करके ये देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने सजाया और कितनी अच्छी लेयर्स बनाई है सारी। इसके साथ साथ अगर देखें तो पैटी के अंदर भी इन्होंने प्रॉपरली लेयर्स लगा के जो है काम किया। इतनी मेहनत का काम है, और खास करके जब रमज़ान, ये जो हम बकरा ईद की बात करें, अच्छा ईद से ना रमज़ान बड़े याद आ जाते हैं, क्योंकि वो मीठी ईद पर बड़ा सिलसिला इस तरह का जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब बकरा ईद की बात आए तो बकरा ईद के ऊपर आप लोगों को पता है कि जी ये खाने जो है ना वो आपको याद करवाएंगे सारी चीज़ें कि जी हाँ बिल्कुल, कि बकरा ईद के जो मज़े हैं वो है ही सिर्फ और सिर्फ जायकेदार पकवान की वजह से। और जैसे कि हमारे शो का नाम है बड़ी ईद के बड़े पकवान, तो इसमें बिल्कुल जी हमारे साथ मौजूद है हमारी शेफ। और मैं एक और बात पूछूंगा, ये आप किस तरीके से आपने सारी चीज़ों को जो है बनाया? मैंने इसकी सब मेथड जो है बताया है अभी गाजिया को, जो मैंने लेयर्स लगाई हैं इसकी जबरदस्त मैंगो के साथ। आप कोई भी फ्लेवर में इसको कर सकते हैं। अभी मैं इसको जो है फ्लेवर से पाइप कर रही हूँ ताकि कुछ थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी हो। वाह जबरदस्त, ये तो बिल्कुल लग रहा है फ्लावर बन गया है। थोड़ा जो पहले कहते हैं ना कि आंखों को खाना अच्छा लगे तो फिर वो पेट तक जाता है, तो ये इस बात ही सब कह रहे होते भाई, ऐसे क्या बात है, ऐसे ही है। आई थिंक सबको इतना इंटरेस्ट ज़रूर लेना चाहिए कि आप तमाम तरह चीज़ें घर पे बना सकें और इंजॉय कर सकें। और यकीन करें यही चीज़ अगर हम बाज़ार से जाके लें, हमारी दावतों को चार चांद लग जाते हैं जब घर की ख़वातीन खाने बनाती हैं, और उससे जो है आपका दस्तरखान जो है बहुत अच्छा सज जाता है। तो बहुत खूबसूरत बनाया। तो कुकिंग को बड़े प्यार मोहब्बत से किया कीजिए। ऐसा लगता है कि आज की जो ईद है ना वो हमारी आज की ईद बन चुकी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतनी मज़ेदार जो है वो पैटी, और खास करके बीफ पैटी बर्गर्स जो है वो उन्होंने तैयार किए चपली कबाब की फॉर्म में। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं सॉसेजेस भी है, फिर उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी सैलेड बहुत अच्छी बनाई है, साथ में प्रेजेंटेशन। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी किसी को बीफ मतलब नहीं खाना है, तो फिर सैलेड से पूरी आपकी एक मील कंप्लीट मील हो जाती है, क्योंकि इसमें पोटैटो भी है, चिक पीस भी है, किडनी बीन्स भी है, तो इतनी हेल्दी ऑप्शन है ना ये। अगर आप इसको डाइट के तौर पर लें तो फिर आप इसमें मायो जो है वो हटा दें, और आप इसको लाइक नॉर्मली ऑलिव ऑयल के साथ। अच्छा, शुगर पेशेंट भी हमारे पास होते हैं, अब जैसे घर में अगर इस तरह का कोई डेजर्ट बना रहे हैं तो अगर शुगर पेशेंट है क्या उनके लिए किसी किस्म की हम कर सकते हैं? शुगर पेशेंट के लिए बस यही है कि वो दिल तो बहुत करता है ऑब्वियसली, जब कोई डायबिटिक पेशेंट होता है तो उनका और ज्यादा दिल करता है। मैंगो जो है वो मैंगो तो खा सकते हैं, लेकिन मैंगो मीठा बहुत होता है तो उनको मना किया जाता है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके खा लें। और कंडेंस मिल्क बिल्कुल यूज ना किया करें शुगर पेशेंट के लिए अगर कुछ बनाए, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्वीटेंड होता है और उस प्रिजर्व किया हुआ होता है चीज़ों के साथ कि वो बहुत नुकसान देता है। सही, मैंगो तो फिर भी एक प्योर आपका जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है आपके लिए, जो फल है हम सब जो इनको इंजॉय करते हैं, हर सीज़न का फल जो हमें मिलता है यहाँ पर, तो शुक्र है उसकी अल्लाह ताला की बहुत नेमत का। तो जी हाँ, आज के शो में खास करके ईद का ये स्पेशल शो जिसका नाम है बड़ी ईद के बड़े पकवान, और बड़े पकवान में ये इतने बड़े बड़े पकवान आपके सामने मौजूद हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, और मैं बिल्कुल गाजिया आपका भी और उसके साथ साथ शुक्रिया अदा करूँगा। गाजिया का शुक्रिया अदा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि गाजिया तो मेरी खुद की होस्ट है इसकी, और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती। जी हाँ, हमारे साथ जो मौजूद है सामिया आदिल, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारी खुसूसी मेहमान भी, और खास करके आज आपने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जितने हमारे व्यूवर्स इस वक्त देख रहे होंगे उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ईद को सेलिब्रेट कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और खाएं उतना जितना आप खा सकते हैं लेकिन एतदाल के साथ। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम।